नमस्कार, सिटी न्यूज बरेली में आपका स्वागत है। मैं अंश माथुर, आइए डालते नजर आज के समाचारों पर। महारानी शोभा यात्रा के दौरान खुराफातियों ने किया माहौल खराब करने का प्रयास, मदरसे में फेंका पत्थर। घटना की सूचना पर मदरसे में पहुंची पुलिस फोर्स। मलकपुर से काफी प्राचीन गंगा महारानी की विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जो अपने मुख्य मार्गों से होते हुए रात को बिहारीपुर से निकल रही थी कि इसी बीच किसी खुराफाती ने माहौल बिगाड़ने के लिए बीबीजी मस्जिद मदरसा मजरे इस्लाम में पत्थर फेंक दिया, जिससे मदरसे में पढ़ रहे बच्चों में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पर भारी मात्रा में कोतवाली पुलिस मौके पर दलबल के साथ पहुंच गई है। वहीं मदरसे के प्रिंसिपल की तरफ से थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। इस मौके पर मदरसे में मौजूद रजा एक्शन कमेटी के पदाधिकारी ने बताया, आज रात्रि करीब 10 बजे के लगभग कुछ शरारती तत्वों के द्वारा बीबीजी मस्जिद स्थित मजरे इस्लाम मदरसे में कुछ खुराफाती तत्वों ने पत्थरबाजी की। पुलिस प्रशासन से बात की, वह इन तत्वों जो खुराफाती तत्वों के मांग की कि जल्द से जल्द गिरफ्तार कर इनको सलाखों के पीछे भेजा जाए ताकि दोबारा से इस तरह की घटना ना घटी हो। पुलिस प्रशासन में कौन कौन मौजूद था? पुलिस प्रशासन में दोनों क्षेत्रीय अधिकारी फर्स्ट और द्वितीय मौजूद थे। मौके पर कोतवाल शहर भी पहुँचे और बरेली के काफ़ी बड़ी तादाद में लोग मजरे इस्लाम पहुँचे। इस्तीफे के बाद पूर्व वित्त मंत्री ने दी सफाई। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट के विस्तार से पहले कैंट विधायक एवं पूर्व वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने अपना इस्तीफा दे दिया था। सोमवार की रात कैंट विधायक बरेली पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया को इस्तीफे के बारे में चर्चा करते हुए कहा, ठीक हो जाएगा, बोल मैं भी सकता हूं, जान आप भी रहे। देखो, जब तक प्रशासन कहाँ से बनता है, मैसेज कहाँ से मिलता है? मैसेज मिलता है थाने से और तहसील से। आप इनको टाइट कर लेते हैं तो ठीक हो जाता है। मोदी जी अगर एक सप्ताह तक उड़े तो उन्होंने चालक परिचालक दल जो था वो डबल रखा था। आज पता लगता है कि विदेश नीति को उन्होंने और स्वर्गीय सुषमा जी ने किस तरह पूरे विश्व में पूछी गई। आज अरबियन कंट्रीज उस मोदी को जो है वो सर पर बिठा हुआ। सारे प्रमुख जगहों पर ये है, लेकिन इसको कॉपी करना बड़ी। जिलाधिकारी बरेली वीरेंद्र कुमार सिंह एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी बरेली डॉक्टर विनीत कुमार शुक्ल के द्वारा सूचना जनित में जारी। बधाई हो, सुना है तुम माँ बनने वाली हो। साथ में एक और खुशखबरी है माँ जी, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत पहली बार मां बनने वाली हर गर्भवती महिला के खाते में औसतन 6,000 रुपए जमा किए जाएंगे, ताकि उसे मिले पौष्टिक आहार और उचित आराम। रजिस्टर करने पर 1,000 रुपए, पहला चेकअप कराने पर 2,000 रुपए, सरकारी अस्पताल में डिलीवरी पर औसतन 1,000 रुपए और बच्चे के पहले चरण के टीकाकरण और जन्म पंजीकरण कराने पर 2,000 रुपए। मतलब खुशखबरी पे खुशखबरी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, रजिस्टर करने के लिए आंगनवाड़ी या आशा दीदी से संपर्क करें। महेशपुरा ठकुरान प्राथमिक विद्यालय में कमिश्नर रणवीर प्रसाद ने किया औचक निरीक्षण। कमिश्नर ने आज 1 बजे महेशपुरा प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया है। उन्होंने कहा कि अभी विद्यालय में 10 पौधे लगाए थे, उसमें से एक भी पौधा जीवित नहीं है, जिसको लेकर उन्होंने हेड टीचर की फटकार लगाई। ऐसी बच्चों को देखा करते हैं? नहीं, बच्चों को देखा, जैसे पेड़ कर रहे हैं, बच्चे सूख रहे हो, जैसे ये सूख रहे हैं पेड़, क्या 4 पेड़ लगा है। नहीं सर, उधर भी लगे हैं सारे, उधर हमने ये पेड़ है कि हमारे सामने ही सामने उखाड़ दिए। साथ ही बच्चों के क्लास में जाकर 30 बच्चों से
विचार का पहाड़ा सुना, जिसमें से केवल एक ही बच्चा पहाड़ा सुना पाया। क्या नाम है? किसका पढ़ा पढ़ा पढ़े थे? चार को पढ़ रहा। इस बीच उन्होंने टीचर की क्लास लगाते हुए कहा है कि आप क्या पढ़ाते हैं, बच्चों को कुछ भी नहीं आता है। वहीं टीचर ने बताया कि बच्चे अब्सेंट रहते हैं, जिस कारण बच्चों को कुछ नहीं आता है। इस मौके पर उन्होंने गांव के लोगों की फरियाद सुनी। हो गई है। इसमें 42 है ना, कितने 48 48 जो व्यवसाय करते हैं कोई भी 48 में से कोई। वहीं कमिश्नर रणवीर प्रसाद ने बताया, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है इसके कवरेज बढ़ाने के लिए हम लोग यहां पर मेरा एक अध्ययन टूर था और हम लोगों ने चर्चा की प्रधान थे गांव के लोग लेखपाल थे, राजस्व अधिकारी थे, तहसील थे, एडीएम साहब थे, कैसे इसको कवरेज बढ़ाया जाए। उसी दौरान स्कूल का निरीक्षण किया, स्कूल में ग्रेडी लर्निंग का कार्यक्रम चल रहा है हमारा, उसके बारे में चेक किया गया। कुछ बच्चे बहुत ही मेधावी हैं, आगे बढ़ाने की जरूरत है, जिन्हें अंक और अक्षर का ज्ञान नहीं है उन बच्चों को पहले अंक और अक्षर का ज्ञान दें, उसके बाद आगे इनकी पढ़ाई करें। लकड़ी के बांसों के सारे ले रखी है घरों में विद्युत, जैसे कि पोल लगवाने की मांग। सुभाष नगर के गंगानगर कॉलोनी के लोगों का कहना है कि वे लोग बिजली उपभोक्ता हैं। कनेक्शन लेने के बाद विभाग ने उनके घरों में लकड़ी के खंभे लगवा कर लाइट की सप्लाई दे दी है, जिससे वहां काफी डर बना रहता है इन लकड़ी के बांसों के गिरने से कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, जिसको लेकर क्षेत्र के लोगों ने सुभाष नगर पावर हाउस के जेई को प्रार्थना पत्र देकर पोल लगवाने की मांग की है। भाई उन्होंने बताया कि जब लकड़ी के पोल लगे थे वो टूट गए थे, फिर कॉलोनी वालों ने स्वयं चंदा कर ये खंभे लगवाए हैं, जिन पर अभी आप तारों की झरझर ये माला देख रहे हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए क्षेत्र के लोगों ने बताया, तो पिछले 4-5 साल से जो है रह रहे हैं यहाँ पर, बहुत ही गंदी व्यवस्था है यहाँ पर, बिजली बिल्कुल नहीं आती, कभी कभी आती बंदा तोड़े आते हैं अक्सर, और घटना का भी होने का बड़ा अंदेशा रहता है। ठीक है, कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। बिजली विभाग को कई बार बोला है हम लोगों ने, लिखित में ये एप्लीकेशन भी दी थी 1.5 साल पहले, बट आज तक कोई भी एक्शन नहीं हुआ। हम लोग कई बार जा चुके हैं वहाँ पर, लेकिन आज तक कोई भी जो है तार लगाने नहीं आया है। क्या कह के आपको जो है वहाँ पर लौटा दिया जाता है? हर बार बोलते हैं कराते हैं आपका दूर है, जबकि हमारा रोड से 100 मीटर दूर है बरेली। पावर हाउस कौन सा लगता है आपका? पावर हाउस ये सुभाष नगर वाला लगता है, 84 घंटा मंदिर के पड़ोस में जी। कई बार वहाँ भी कंप्लेंट की, लेकिन कुछ नहीं करते वहाँ पे। हर बार बोलते हैं कराते हैं बट अभी तक नहीं करा। एसडीओ साहब आए जी, एसडीओ साहब से भी कई बार बात हुई, लेकिन यही हुआ कि साहब ये कॉन्ट्रेक्टर का नंबर ले लीजिए, इस पे कॉन्ट्रेक्टर का नंबर भी है, लेकिन कॉन्ट्रेक्टर साहब कहते हैं कि साहब जो है एसडीओ साहब ऑर्डर करेंगे तब होगा। एसडीओ साहब कहते हैं कि साहब कॉन्ट्रेक्टर काम करा देगा, मैंने फोन कर दिया है, लेकिन ये एप्लीकेशन 23 है दिए हुए लिखित में 3/7/2018 हो गया, 3/7/2018 से लगातार एप्लीकेशन दे रहे हैं और दौड़ भाग भी कर रहे हैं, लेकिन बिजली विभाग बिल्कुल सुनवाई नहीं कर रहा है। मांग करेंगे अब? अरे हम ये चाहते हैं कि मतलब ये द्वारा वहाँ से मेन रोड से केबल यहाँ तक आ जाए। जी, किस प्रकार की दिक्कतें आती हैं आप लोगों को यहाँ पर, जैसे बंदर हैं तार तोड़ देते हैं और कैसे क्या क्या दिक्कतें आती हैं? और भी दिक्कतें आती रहती हैं, फॉल्ट होते रहते हैं, लाइट कंटिन्यू नहीं आती है, स्टेबलर लगवाए फिर भी लाइट का फॉल्ट हो सकता है, क्योंकि लोड ज्यादा पड़ रहा है यहाँ पे। हम चाहते हैं कि हमारा पावर अलग हो जाए। कभी नजर आ रहे हैं कॉलोनी में लगे हुए, ये किस तरीके है, बिजली विभाग ने लगवाए हैं? ये हम लोगों ने 200-500 रुपए का चंदा करके अपने पास से लगवाए हैं, अभी तक ये हम लोगों ने लगवाए हैं। उनसे कहा था तो खंभे तो नहीं लगवाए उन्होंने, ऊपर से आज तक तार भी नहीं लगवाए। कभी बड़ी घटना हो सकती है यहाँ पर, तार बहुत पुराने हो चुके हैं, बहुत दूर दूर से लगाने पड़ते हैं, बंदर परेशान करते हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं, कोई हादसा हो जाए। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद बरेली ने कर्मचारियों की सेवा संबंधी मांगों को लेकर सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में दिया विशाल धरना। एक राष्ट्र एक विधान।
एवं सौंपा जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन। राज्य कर्मचारियों की सेवा संबंधी समस्याओं के निस्तारण के संबंध में ज्ञापन। महोदय, कृपया राज्य कर्मचारी सेवा परिषद। जनपद के सैकड़ों कर्मचारी अधिकारी सेवा संबंधित अपनी लंबित मांगों को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद बरेली के बैनर तले सड़कों पर उतरे। उसके बाद सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ खूब गरजे। उसके बाद पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस अवसर पर पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित 11 सूत्रीय मांग पत्र सौंप कर समस्या से अवगत कराया है। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष सुनील जैन ने कहा। वहीं संघर्ष समिति के चेयरमैन डॉक्टर अंचल अहिरी ने बताया। वहीं पदाधिकारियों ने कहा, हम राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के बैनर तले सभी राज्य कर्मचारी यहां धरना दे रहे हैं। हमारी मांग है, प्रमुख मांग है, पुरानी पेंशन की बहाली, कैशलेस चिकित्सा सुविधा का बहाल किया जाना, जो अभी अभी 22 अगस्त को 6 भत्ते काटे गए हैं, जिसमें कंप्यूटर भत्ता है, फैमिली प्लानिंग भत्ता है और भी पीटीए मेंटेनेंस भत्ता है, और भी चीज़ें हैं, उनके विरोध में उनको हम बहाल कराने के लिए आज यहां पर उपस्थित हुए हैं और जिला परिषद हमारी यहां पर धरना दे रही है। नंदन के हट धर्मिता नियम विरोधी नीतियों को लागू करने एवं वादा खिलाफी के विरोध में राज्य विद्युत परिषद जूनियर संगठन बरेली क्षेत्र के द्वारा 3 दिवसीय आंदोलन का आगाज। अब तक जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, वो संगठन के काम न आया, बेकार। राज्य विद्युत परिषद जूनियर संगठन के नेतृत्व में क्षेत्रीय शाखाओं पर 10 बजे से 5 बजे तक आंदोलन किया गया है। इस आंदोलन में क्षेत्र के समस्त सदस्यों द्वारा बेनियम कार्य पद्धति का बहिष्कार किया गया। उत्तर प्रदेश के नीति विरुद्ध अव्यवहारिक आदेशों, उत्पीड़न के शीर्ष प्रबंधन का तानाशाही रवैया से सेवा नियमों एवं शासन नीति निर्देशों के विपरीत मनमाने तरीके से नीति एवं दिशा निर्देश जारी कर अवर अभियंता एवं प्रणोत अभियंताओं का निरंतर हो रहे उत्पीड़न की मांग की गई है। इस बारे में जानकारी देते हुए आंदोलनकारियों ने बताया। जो हमारी सबसे प्रथम मांग या महत्वपूर्ण मांग थी कि जो प्रबंधन ने हमसे वादा किया था हमारे केंद्रीय नेतृत्व से, जिसके आश्वासन के उस समय भी हम लोग धरने बैठे थे और उन्होंने कहा कि ये आदेश मेरे केंद्र में पड़ा है और ऑफिस में जाकर तो प्रस्तुत करने की जरूरत है, हमारा केंद्रीय नेतृत्व विश्वास कर गया है। कहे कि तेरे वादे से दिए जान छूट जाना, खुशी से मर गए होते अगर एक बार होता, तो हम एक बार कर लिए और आज उसका देखने को आगे हैं कि आज हमारे घोषणा बढ़ रहे हैं। उज्ज्वला योजना है, तमाम केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही है, बहुत कम लोग जिम्मेदारी से पूरा अनिवार्य है, लेकिन मैं नहीं मटीरियल का सबसे बड़ी समस्या है। अगर हमारी उपभोक्ता बढ़ेगी, ट्रांसफार्मरों की क्षमता से ज़्यादा यदि उपभोक्ता हो जाते हैं तो वो जल्दी है, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो उसके लिए मनी चाहिए, ट्रांसफार्मर नया लगाने के लिए, तार बदलवाने के लिए, पूरी एक व्यवस्था सुधार, प्रणाली सुधार की, और ये नियम कार्य पद्धति भी एक शामिल है, रोज नए नए आदेश आ जाते हैं, ये करिए। नगर निगम का चला हिंड टॉकीज के पीछे अतिक्रमण अभियान। स्मार्ट सिटी को नया रूप देने के लिए नगर निगम व ट्रैफिक विभाग लगातार प्रयास में लगा हुआ है। सड़क के किनारे खड़ी गाड़ियों को ट्रैफिक विभाग उठा ले जा रहे हैं तो वाहन चालक पर जुर्माना भी डाल उनको छोड़ा जा रहा है। वहीं नगर निगम के अलावा के आदेश पर शहर में हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए अतिक्रमण प्रभारी ललितेश सक्सेना के नेतृत्व में अभियान चलाया गया है। मंगलवार को नगर निगम की टीम इन टॉकीज के पीछे व्यापारियों को अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची। टीम पहुंचने के बाद व्यापारियों द्वारा किया गया अतिक्रमण को हटाया गया। इस मामले में समाज सेवी ने नगर निगम की तारीफ करते हुए कहा, ये जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है ये जायज है, इसको हटना चाहिए। उसका रीजन है, कई सरकारें आई बदल नहीं पाई। आज हमारे मेयर उमेश गौतम भी जो ये काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसको हटना चाहिए। जैसे आज ये दौरा लगा है,
हर तीसरे चौथे दिन ये दौरा होना चाहिए। दूसरी चीज, कुछ यहाँ के लोग व्यापारी लोग आए जो झूठी कस्में खाते हैं, अतिक्रमण को हटवाने में साथ देंगे, लेकिन उनका पर्दा पास होना चाहिए। वो दलाल हैं व्यापारियों के, उसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूँगा। वहीं कारोबार कर रहे व्यापारी ने नगर निगम का विरोध करते हुए बताया, मेरा नाम फैज अली है और मैं अतिक्रमण हटाया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए ये कहना चाहूँगा, गली गली कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, लोग जो इनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है और जो भूखे मर रहे हैं उनके लिए खाना नहीं है, उनको देखे बिना उनको कोई नहीं देख रहा है। पहले ये देख रहा है कि गरीब आदमी कमा कैसे रहा है, जो कमा रहा है छोटी छोटी दुकान है उसने लकड़ी का कर करके अपने जैसे कुछ जैसे दुकान खोली है, ठेला लगाया है, उसको हटा रहे हैं। ये कौन सी बात होती है? कूड़ा हटाओ कम से कम, जो गरीबों को खाना नहीं मिल रहा उसको बांटो खाना। नेतागिरी दिखाना तो ऐसे नेतागिरी दिखाओ ना, ऐसे क्या जिसको मिल रहा उसको भी छीन लिया। वही मौजूद अतिक्रमण प्रभारी ललते सक्सेना ने सभी व्यापारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अतिक्रमण कर रहे व्यापारियों का सामान जब्त कर लिया जाएगा। ऐसे मार्केट में सबसे ज्यादा अतिक्रमण होता है और लोगों को निकलने में बहुत दिक्कत होती है। नगर आयुक्त साहब ने आज कहा कि इसका मतलब पब्लिक को परेशानी ना हो और पटरी दोनों पटरियां खाली करा दो, जो भी अतिक्रमण है वो सब हटवा दिया है। अब इनको बता दिया गया है कि अगर दोबारा अतिक्रमण करेंगे तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और गाड़ियां अगर बाहर बनाएंगे तो इनकी गाड़ियां भी जब्त की जाएंगी। तंबाकू व सिगरेट से होने वाले नुकसान से लोगों को जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने किया सेमिनार का आयोजन। मंगलवार को एक निजी होटल में स्वास्थ्य विभाग द्वारा सिगरेट व तंबाकू से होने वाले कैंसर जैसे गंभीर रोगों से लोगों को जागरूक करने के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया था। जिसमें जिला अस्पताल के अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार के नेतृत्व में सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें सरकारी विभाग के साथ साथ शहर में अपनी निजी प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टरों को भी जानकारी दी गई। सेमिनार में हिस्सा लेने आए डॉक्टरों ने अपना सुझाव देते हुए कहा, इसमें धूम्रपान करना प्रतिबंधित है। अब पब्लिक प्लेस किसको बोलते हैं, कौन कौन सी चीज पब्लिक प्लेस में काउंट होती है, वो आपके समक्ष रखा हुआ है। जैसे भोजनालय है, प्रतीक्षालय है, रेल प्रतीक्षालय है, अस्पताल है, शैक्षणिक संस्थान है, पुस्तकालय है, लोक वाहन है, न्यायालय भवन है, जन सुविधा केंद्र है, खुला सभागार है, स्टेडियम है, रेलवे स्टेशन है, ऐसे जितने भी ये आपके चीज़ें हैं ये सारे पब्लिक प्लेस के अंदर आते हैं। और सिंपल सी हम बात कहें तो जहाँ लोगों का आना जाना रहता है वो सब पब्लिक प्लेस के अंदर आते हैं, ऐसी जगह पर धूम्रपान करना प्रतिबंधित है। वहीं जिला अस्पताल के अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण के लिए इसमें हमारे जितने भी हैं अर्बन में जो हमारी पीएससी है उसमें सारे मेडिकल ऑफिसर और स्टाफ नर्स वगैरह पूरा बनाया है, जो हम सारे जो अर्बन में हमारी जो पीएससी है वहाँ पर तंबाकू का नियंत्रण किया जा सके, अगर कोई वहाँ पर कोई पीता है तो उसको रोका जाए या उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके लिए आज हमने ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग बुलाई है हेल्थ प्रोफेशनल के लिए। इसमें हमारे जो है जो एडीएम साहब अध्यक्ष हैं, बाकी सात और जो है लोगों की टीम बनी हुई है, उसमें जो शनिवार को जाते हैं उसमें छापामारी की जाती है, अगर जो भी नियमानुसार अगर नहीं है, अगर स्कूल के पास में है तो उनके खिलाफ में छापामारी करके जुर्माना किया जाएगा। बड़ी विडम्बना है कि हम डॉक्टर्स को तम्बाकू के बारे में पढ़ाया जा रहा है, ये सेमिनार स्लम एरिया में होना चाहिए, उस तबके के बीच में होना चाहिए जो इसका सेवन करते हैं। दूसरी बात, मैं सरकार से मांग करता हूँ कि यदि आप टोबैको का उत्पादन रोक दें, गुटखा और सिगरेट का उत्पादन रोक दें, तो ये समस्या की जड़ ही ख़त्म हो जाएगी, ना इस ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी, ना इस ट्रेनिंग से की वजह से जो तमाम खर्चे हैं उस पर रोक लगेगी और देश के ऊपर जो सबसे बड़ा अधिभार है तमाम वो मरीज जो तंबाकू के सेवन की वजह से मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, उनसे मुक्ति मिलेगी। निश्चित तौर से हमारे देश का भला तभी होगा जब सिगरेट और तंबाकू उत्पादनों पे रोक लगे। ये सिर्फ सिगरेट पे नहीं है, पूरा तंबाकू पे है। तंबाकू कितना हमारी इंडिया देश में मैक्सिमम परसेंटेज पे है और इससे सबसे ज़्यादा
डेथ कैंसर से होने वाली तम्बाकू से होती है, ओरल कैंसर से, मुंह का कैंसर जो हो जाता है। और हमने बहुत कुछ यहाँ पर आज सीखा है कि आप आपके क्षेत्र में जहाँ आपके मेडिकल प्रैक्टिस करते हो उसमें और स्कूल संस्थाओं में 100 गज तक कोई तम्बाकू बेचने वाला संस्था नहीं होनी चाहिए, उसको जुर्माना लगेगा। और अगर हमने कोई पब्लिक प्लेस में किसी को सिगरेट पीते हुए देखा है तो उसमें जुर्माना ये कानूनी तौर पे हो गया है, 200 रुपीज़ तक का जुर्माना हम ले सकते हैं, हमें अधिकार है। तो ऐसी चीज़ लोग करते ही क्यों है जिसमें इतनी जान का रिस्क है? मेरे ख्याल से बिल्कुल तम्बाकू बैन कर देना चाहिए इस देश से। चौवारी रामगंगा पुल की हालत खस्ता, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। मंगलवार को सिटी न्यूज की टीम ने चौवारी पर बने रामगंगा पुल का दौरा किया तो पाया कि उसकी हालत बस से बदतर हो चुकी है। फिलहाल सरकार द्वारा दूसरे पुल का निर्माण काफी सालों से चल रहा है, लेकिन धीमी गति से चलते कार्य अभी पूर्ण नहीं हो पा रहा है, या यूं कहें कि वह कछुए की चाल चल रहा है और पुराने पुल में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। इस पुल से लाखों यात्रियों का आवागमन होता है जो अपनी जान जोखिम में डालकर पुल से गुजर रहे हैं। पुल से गुजर रहे रागीरों ने समस्या से अवगत कराते हुए कहा, गाड़ी पंचर हो जाती है, ब्रेक लगे तो पीछे वाली गाड़ी छूट जाती है, और बहुत ही परेशानियाँ, टायर बैग बदल जाते हैं, उनके टायर लग जाते हैं, उनको परेशानी होती है। ब्रिज के ऊपर सामने क्या मतलब गड्ढे उड्ढे बहुत तगड़े हैं, गाड़ी है मतलब आदमी गिर जाता है, लेडीजें गिर जाती है, बैठी होती है, दिक्कतें तो आई नहीं। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन के बारे में आप? प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी इस चीज़ का ध्यान दें, बराबर में काम चल रहा है उस पर काम पूरा करें। प्रशासन से हम ये कहना चाहेंगे जैसे कि हम मेहनत करते हैं, वोट देते हैं, सब कुछ करते हैं, पर उसके बाद में मतलब सड़कें वगैरह ये अच्छी हों, ब्रिज वगैरह अच्छा हो, कभी भी हादसा हो सकता है। जेसीस क्लब ने कराया क्विज प्रतियोगिता का आयोजन। बरेली जेसीस क्लब द्वारा चलाए जा रहे जेसीस वीक में मंगलवार को क्विज कंपटीशन का आयोजन हुआ, जिसमें 75 स्कूलों के 200 बच्चों ने भाग लिया। इन प्रतियोगिताओं में विजेता बच्चों की 29 अगस्त को IMA हॉल में फाइनल प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। बच्चों को धारा 370 पर्यावरण आदि विषयों पर वाद विवाद प्रतियोगिता में विषय दिया। इस मौके पर मीट डायरेक्टर अंकुर बंसल, रंजीत बग्गा, रजदेश गुप्ता, सारंग गुप्ता, अनुराग गोयल, संजय अग्रवाल, शोभित अग्रवाल आदि मौजूद रहे। इस मौके पर जेसीस के पदाधिकारियों ने कहा, जेसीस का डिविजन पास प्रेसिडेंट GCI सेनेटर विकास कुमार सर यहाँ पे ये सब देख रहा हूँ। मेरे साथ मेरे बहुत सारे मेंबर हैं, जैसे आप देख रहे हैं जेसी सचिव अग्रवाल जी मेरे साथ खड़े हुए हैं, इसके अलावा जेसी नितेश अग्रवाल जी मेरे साथ खड़े हुए हैं, और बहुत सारे मेंबर हम लोगों के साथ हैं जिनके सहयोग से हर साल हमारा ये कार्यक्रम सफल रहता है। ये हमारा 55वां JC वीक है, ये हमारा 55th JC वीक है जिसको हम करवा रहे हैं। इसमें बहुत से ज़्यादा 4,000-5,000 बच्चों से ज़्यादा हर साल पार्टिसिपेट करते हैं। आज हमारा स्टेम4 कम्पटिशन है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कम्पटिशन है, जिसमें बच्चे कंप्यूटर पर स्लाइड बनाकर लाते हैं और उसके बारे में डिस्कशन। हमारा ये 5 दिन का प्रोग्राम चलता है, जिसमें आज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कम्पटिशन हम लोग कर रहे हैं, जूनियर ग्रुप और सीनियर ग्रुप हमने बनाया है, इसमें लगभग 15 से 20 16 स्कूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें कि SR इंटरनेशनल, GRM, अल्मा मार्टर वगैरह काफ़ी हैं। ये एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म हम बच्चों को देते हैं ताकि वो विभिन्न टॉपिक्स के ऊपर अपनी राय दे सकें, जैसे कि टेररिज्म, एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, ऐसे हमें एक टॉपिक दिए हुए होते हैं जिसके बारे में ये हम लोगों को ज्ञानवर्धन करते हैं ताकि और बाकी लोग भी उनसे। और एक प्लेटफॉर्म ये भी है कि एक स्टेज पीरियड भी होता है बच्चों का, वो निकले और उनकी पर्सनैलिटी डेवलप हो, क्योंकि जैसी चीज़ का पर्पज ये है कि एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सोसाइटी में होनी चाहिए बच्चों की, बच्चे हमारा भविष्य हैं। और
एक विशेष सूचना, सिटी न्यूज को आप अपने मोबाइल के यूट्यूब पर भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। सिटी न्यूज में खबर देने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें। हमारा फोन नंबर है 9760095470 या हमारे कार्यालय पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है सिटी न्यूज बरेली, निकट गंगाशील हॉस्पिटल, डीडीपुरम बरेली। समाचारों का सिलसिला यहीं खत्म होता है। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।